पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने मल्लावा कोतवाली का निरीक्षण किया, जिसमें साफ सफाई की व्यवस्था, आरक्षियों की वर्दी, अभिलेखों की जांच, शस्त्रागार का निरीक्षण काफी बारीकी से किया। वहीं मल्लावा थाने के मेस व शौचालयों का भी निरीक्षण किया। लगातार हमरा सिपाहियों के बारे में पूछा जाता रहा, जिसका संतुष्टजनक उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। वहीं शस्त्रागार का निरीक्षण करते समय उनकी साफ सफाई की भी बात सामने आई। आरक्षियों से भी शस्त्रों की लोडिंग व अनलोडिंग कराई गई, जिस पर उन्होंने कोतवाल को निर्देश दिया कि लगातार इन्हें ट्रेनिंग देते रहिए। कोतवाली की जर्जर छत को भी देखा, जिसका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। कोतवाल ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया, इसे काफी मजबूत कर दिया जाएगा, जिसका जीवन करीब 50 वर्ष चलेगा। कंप्यूटर रूम के बारे में पूछे जाने पर बताया कि जल्द ही इसे चालू कर दिया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क के संबंध में संतुष्ट नजर आए। प्रार्थना पत्रों का भी निरीक्षण किया, जिसमें संतुष्ट नजर आए। आज मल्लावा कोतवाली का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान क्या कोई कमी पाई गई क्या? आज मेरे द्वारा वासन निरीक्षण किया गया मल्लावा, जिसमें साफ सफाई और शस्त्रों की सफाई इत्यादि के बारे में देखा गया। एक तो इनका मेस जो है वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के लिए निर्देशित किया हूँ कि मेस को नई बिल्डिंग शिफ्ट करें, और इसके अलावा जो साफ सफाई है कुछ जगह और काम होने हैं उसके बारे में बात की गई, उनको निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही को कराएंगे, और जो शस्त्रों की सफाई है उनका रख रखाव उसके बारे में भी इनको निर्देश दिए गए हैं। बाकी मेस और बैरक आज का भ्रमण किया गया है, जो चीज़ें कमियाँ हैं उनको निर्देशित करके इनको दूर कराया जाएगा। शस्त्रों में रख रखाव में कमियाँ पाई गई क्या? शस्त्रों के रख रखाव में कुछ जैसे साफ सफाई की बात है, उसको तो निर्देशित किया गया है कि इसको हर हफ्ते साफ कराएं, जिससे कि ये चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आरक्षियों वगैरह के शस्त्र चलाने पर भी कोई समस्या दिखाई देती है? कुछ आरक्षियों से एक ये देखा गया है कि आप किस तरह से इसको चलाते हैं, इसलिए इसे कराया गया है, और एक हमारी सिखलाई का पॉइंट है ये, और इसके ऊपर। ठीक है।